बहुत दिन से घोड़ी एक दिन में राइडिंग करके गया था, 5-7 किलोमीटर राइडिंग की थी। तो जबकि लंगड़ा रही है, लंगड़ा रही मतलब इसके पाँव में जो अम्बाण रहती है, अम्बाण करवा जाती है घोड़ी, तो इसको ठीक कैसे करो बहुत दिन से, तो देसी इलाज बता रहा हूँ मैं इसका, जो मेरी घोड़ी काजल। सबसे पहले तो इसका पाँव धो, अच्छा पाँव धो दो इसका। मैं पूरा आज आपको इलाज बताऊंगा, पाँव बताओ भैया। फिर ये बुरुज जो रहता है खुर्रा, उससे अच्छा इसका रगड़ो पाँव साफ। पाँव साफ रगड़ लिया, फिर इसको अच्छा धो, अंदर से सब निकाल लो भैया। बताओ इसमें पाँव बताओ अच्छी तरह से। पानी गरम चलेगा, गरम भैया। देसी इलाज बताऊँ, पाँव थोड़े कच्चे हैं इसके, पत्थर एक दिन पत्थर निकाला तो जो चल के आती है तो वो बहुत घोड़े में अंबान रहती है, बड़ी घोड़ी है तो इसमें भारी भी पड़ती है थोड़ी है। इसका पाँव अच्छे ऐसे धो, वो इसको 5-10 मिनट रगड़ना पाँव इसके, शरीर से थोड़े मजबूत मजबूत नहीं। देखो इसके पाँव इधर आओ भैया, सपा इधर, बस इधर आए घोड़ी। नहीं, ये इसके पाँव सपा ऐसे हो गए। वो काजल कंधा पास है, बगलम को ले जाएगी। कर लो बंद कर लो यार पाँव। देखो भी अब इसका पूरा अच्छे तरीके से ये बहुत पाँव की कंडीशन डाउन। ये तेल तेल करके पूरा इसका नहीं, घोड़ी नहीं, लगाम दे दो घोड़ी को, नहीं मत भी दो, बल्कि दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तेल इतना लेना है, थोड़ा गर्म लेना, इतना गर्म भी मत लेना, जो थोड़ा बहुत। देखो घोड़ी का पाँव इससे हो जाएगा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। 10 दिन से लंगड़ा रही है, तो हमने देसी इलाज का देखो आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसका। ये सही है मतलब ये, पर आज हम भी कर रहे हैं इसका। ये सूम देखो इसका पूरा से धो के काट लो भी। अब इसका फोटो खींची भैया, अब इसके अच्छे पाँव धो दिए हमने। नीचे ठेली रखना, क्योंकि पाँव नीचे मतलब ख़राब नहीं हो, तो कुछ थैली वैली कुछ भी प्लास्टिक प्लास्टिक की चीज़। देखो मैंने थैली रखी है, पाँव इसके अच्छे साफ हो गए पूरे अच्छे अंदर से। फिर जो अपने सब्जी का तेल रहता है मीठा तेल, इसके अंदर थोड़ी एक चम्मच हल्दी डालकर थोड़ा गर्म कर लो, और थोड़ा सा तेल। फिर अपनी जो रुई रहती है रुई, इसको थोड़ा थोड़ा भिगा लेना अंदर, और जब खुर की जगह यहाँ पर लगाओ इसको। देखो दोस्तों मैं लगा रहा हूँ, बताओ भैया इधर बताओ, जो सूम की जगह इसको यहाँ पर लगाओ, ये बताओ, ये तेल बताओ, तेल ये थोड़ी बहुत रुई ले लेनी, तेल लेनी हल्दी डाल के। इससे क्या है, इसका पाँव नरम पड़ जाएगा, उसका दर्द करना। हमारे इधर MP में डॉक्टर नहीं है साहब, तो हम देसी इलाज ही करते हैं ज़्यादातर पाँव। ये देखो ये घोड़ी का पाँव बताओ भैया मुझे, देखो ये काट काटिन बंद कर, काट के बंद भैया। अभी थोड़ा बहुत तेल रहता है कि इसके अंदर, घोड़ी का पाँव बताओ भैया, तेल रहता थोड़ा अंदर इसके अंदर, थोड़ा धीरे धीरे कूड़ो, जो इसकी खुरी रहती है क्या, ये बेटे इसका पाँव इसे मतलब गारा मत लगने देना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों ये, पर इसमें ये प्रैक्टिकल जरूर करके देखो आप। जो घोड़ी बहुत बोलते हैं घोड़ी के पाँव में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ दिक्कत आ रही, बिना फालतू तो अंबानी हो सकती है, घोड़ी करवा जाती है बस बस घोड़ी बस। इसका सूम नीचे देखो, नीचे से नीचे बताओ, ये घोड़ी का सूम भी अच्छा हो गया, बहुत शानदार, ये क्या बात है। हाँ बंद कर दे भैया। तो अपन पाँव में मोजा पहनते हैं, मोजा ये पाँव मतलब गारे में नहीं हो इसलिए मोजा सबसे अच्छा हो। जो ये मोजा, ये मोजा पहना देना इसको, कर दे भैया बंद कर दो, कर दे। हाँ कर।